स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रेंडिंग सुमो में। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि ट्रेंडिंग सुमो की वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। बिग बॉस 13 में बीबी टास्क के बाद किसी एक लड़की को घर की क्वीन का खिताब मिलना था। यह फैसला घर वालों को आपसी सहमति से लेना था। सभी घर वालों ने आपसी सहमति से देवोलिना भट्टाचार्य जी का नाम बताया। शेफाली बग्गा इस फैसले के खिलाफ थी, लिहाजा क्वीन का खिताब किसी को नहीं मिला और यह रद्द हो गया। इसके बाद टीवी की गोपी बहू और शेफाली बग्गा के बीच कर झगड़ा हुआ। जैसे ही बिग बॉस ने यह ऐलान किया कि आपसी सहमति ना होने के बाद इस टास्क को रद्द किया जाता है, वैसे ही सारे घर वाले शेफाली बग्गा पर भड़क उठे। इसके बाद देवोलिना आरती सिंह से कहती है कि शेफाली चालाक लोमड़ी है। देवोलिना के ये कहते ही शेफाली वहाँ आ जाती है और दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। बीच बचाव करने घर के कई सदस्य आते हैं और दोनों को झगड़ा करने से रोकते हैं। तभी देवोलिना रोने लगती है और रश्मि उन्हें चुप कराती है। सभी लड़कियां जहां शेफाली के खिलाफ है, तो वहीं शहनाज शेफाली को समझाती है और यह भी कहती है, पता नहीं तुम मुझे ठीक क्यों नहीं लग रही। झगड़े के कुछ देर बाद कोयना मित्रा शेफाली को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शेफाली अपने फैसले को सही ठहराती है। तभी कोयना कहती है कि इस तरह से तो तुम कोई भी टास्क नहीं खेल पाओगी। इससे पहले शेफाली का सिद्धार्थ शुक्ला से भी झगड़ा होता है। शेफाली टास्क में सिद्धार्थ को लेकर कमेंट करती है, जिसके बाद दोनों की बहस शुरू हो जाती है। इस दौरान शेफाली सिद्धार्थ को ये तक बोल देती है कि आप अपनी हद में रहे, आप होते कौन है मुझे मेरी हद बताने वाले। वहीं जवाब में सिद्धार्थ बोलते हैं, तुम हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो। इस पर शेफाली कहती है, इधर उधर निठल्ला घूमता रहता है, बकवास कर रहा है, मैं तेरे से डरती हूँ क्या। इस बहस के बीच में ही शेफाली के एक शब्द को सिद्धार्थ गाली समझ लेते हैं और ज्यादा भड़क जाते हैं। इसके बाद दोनों की बहस और तेज हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। और सुनो, ट्रेंडिंग खबरों के लिए यहाँ वहाँ मत घूमो, सब्सक्राइब करो ट्रेंडिंग सुमो।